सब्सक्राइब कीजिए राकेश वाइजारो चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ट्रैवल एंड इंटरव्यूज वीडियोस देखने के लिए। सो गाइस, मैं हूं राकेश वाइजारो फ्रॉम सेलिब्रिटी वेजविला एंड टुडे वी हैव द India's hottest song, Manjul Khattar at Celebrity Face Villa for the second time. So Manjul, आपके fans बहुत सारे हैं जो बहुत सारे questions हमें DM करते हैं and comments में भी लिखते हैं। वो कुछ जानना चाहते हैं आपने अपना career कैसे start किया, क्या किया ऐसे, तो आप उनको बताएं। जैसे कि आप Celebrity Face के contestant भी रह चुके हैं, तो कैसे आपने journey start की, एक बार बताएं अपनी story। मैं पहले जो था नॉर्मल पिक्चर्स अपलोड करता था इंस्टाग्राम के ऊपर, लाइक तो एक पहले के टाइम पे जॉज नाम के पेजेस चलते थे, उन पेजेस के ऊपर मैं फीचर हुआ। तो उसके बाद जो है मेरे को पॉपुलैरिटी मिलनी चालू हुई थोड़ा, मतलब लोगों ने देखा मुझे एंड देवर लाइक कि लेट्स फॉलो दिस गाय, तो मेरे को वहाँ से फॉलोअर्स थोड़े से बढ़ने चालू हुए। देन उसके बाद देयर वाज अ फोटोशूट सेलिब्रिटी फेस का विद हिप्सा शर्मा, आई गेस। सो आई अप्लाइड फॉर इट एंड आई लाइक केम फॉर द फोटोशूट एंड यहाँ पर आकर मेरा पोर्टफोलियो बना एंड सब चीज़ें हुई। और उसके बाद मैं जब वापस गया यहाँ से, मैंने फिर सोचा कि लाइक व्हाई शुड आई गो फॉर अ फोटोशूट, मेरे को ऐसा जाना क्यों पड़ रहा है किसी और के फोटोशूट में, जब मैं कि अपना खुद का करवा सकता हूँ। एंड सो आई वर्क फॉर इट, आई स्टार्टेड मेकिंग टिकटॉक वीडियोज म्यूजिकली था उस टाइम पर, इट वॉज नॉट टिकटॉक, इट वॉज म्यूजिकली मैं स्टार्टेड मेकिंग इट 2 years बैक। सो वहाँ से बनाते बनाते लोगों को वो चीज़ें पसंद आने लगी मेरा कंटेंट एंड उन्होंने अप्रिशिएट किया, फॉलोइंग बढ़ी, ये इवेंट्स आए एंड देन सेलिब्रिटी फेस ने मेरे को एज अ। सो गाइस, ये जर्नी मंजुल की थी फ्रॉम अ कंटेस्टेंट सीइंग द वर्ल्ड कि भैया मैं सेलिब्रिटी के साथ शूट कराने आया हूँ, मैं भी सेलिब्रिटी बन सकता हूँ। और इन्होंने 2 साल इतनी मेहनत की और लोगों ने एक्चुअली प्यार भी दिया इनको एंड टुडे He is a celebrity. Video albums में कितने million views आ रहे हैं, सारी चीजें इनकी हिट हो रही हैं। So I think all because of your hard work and जो आप अपना passion जो है काम को करते रहना उसी के कारण आप इस level पे आ चुके हैं and we are happy कि आप इतना आगे बढ़ रहे हो। तो मंजुल, एक और चीज पूछना चाहेंगे आपसे, आप अपने फैंस को क्या बोलना चाहेंगे, वो कैसे मंजुल की तरह next celebrity star बने या TikTok star बने जो आपको इतने लोग फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पे। सो गाइस, सबसे पहले जो सबसे मेन होता है वो होता है डेडिकेशन। आपको अगर आप वीडियोस बना रहे हैं, आपकी वीडियोस आपको लगता है कि नहीं चल रही है, व्यूज नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहे, तो निराश मत होना, वीडियोस बनाते रहना, कंसिस्टेंट रहना और तब एक दिन पक्का आपकी वीडियोस भी वायरल होंगी एंड इवन यू कैन बी अ गुड स्टार। अभी जैसे रिसेंटली 2 लड़कियां हरिद्वार की इतना वायरल हो गई, उनके वीडियोस में 100 मिलियन व्यूज आ गए, मंजुल ने हार्ड वर्क किया, वो स्टार बन। तो गाइस, यू नेवर नो, आपका एक वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। एंड गाइस, आपको हम सेलिब्रिटी फेस में ही आपको ऐसा सेलिब्रिटी कैसे बुलाएंगे, दैट्स हाउ योर लाइफ विल चेंज एंड आप आगे बढ़ेंगे अपने करियर में। मंजुल, आप ये भी पूछना चाहेंगे, आपका रिसेंट सॉन्ग बहुत ही पॉपुलर हुआ, बहुत ही हिट रहा, आगे की क्या प्रोजेक्ट्स हैं, मंजुल को और कहीं भी देख पाएंगे आगे? अभी एक बहुत बड़ा एंड बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है जो कि मैं रिवील नहीं कर सकता यहाँ पर, तो आप यस आप मेरे को देख पाएंगे एक और बड़े प्रोजेक्ट के अंदर, इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट। सो बस आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की दुआएं हैं जिस वजह से यहाँ तक पहुंचा हूँ एंड बस रेडी रहिए। मंजुल भी पूछना चाहेंगे, आपके बहुत सारे फैन तो बहुत प्यार करते हैं, बट कुछ लोग आपके बारे में बुरा भी लिखते हैं, तो जो बुरा लिखते हैं आप उनको क्या क्या जवाब देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से या बोलना चाहेंगे? अगर तुम लोग हेटर्स के लिए आइए, अगर तुम लोग जो हो मेरी हर चीज देखते हो, हर चीज में नजर रखते हो, रेडी रहते हो कि ये डालेगा इस पर ट्रॉल करूंगा, तो यार तुम हेटर नहीं हो, तुम फैन हो यार, सही बताऊंगा तुम फैन हो। ऑब्वियसली सो ऑल द जितने भी लोग बैड कमेंट करते हैं मंजुल की पिक्चर्स या वीडियोस पे, तो मंजुल की तरफ से उनके लिए प्यारी है एंड मंजुल प्यारी देना चाहते हैं और प्यार देके आपको और आगे अपने अच्छे काम से आपको भी एक
प्यारा सा फैन बना लेंगे आज नहीं तो कल, वो तो प्यार दे ही रहे बहुत सारा। सो मंजुल आप अपने फैंस को और क्या बोलना चाहेंगे जो सेलिब्रिटी फेज में आना चाहते, बहुत लोग एग्जाम्स के कारण नहीं आ पाए, फोटोशूट में आपसे नहीं मिल पाए, तो आप क्या बोलना चाहेंगे उनको, कैसे मिल सकते हो नेक्स्ट टाइम? नेक्स्ट टाइम गाइस मैं अलग अलग सिटीज में आऊंगा, आप लोग मुझसे वहाँ पर सेलिब्रिटी फेस को कॉन्टैक्ट कीजिए अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं। वैसे आप डीएम करिए उन्हें, उनका कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पर है, सब मतलब अपने इन्फॉर्मेशन वगैरह दीजिए और आप मेरे साथ फोटोशूट करा सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, बिकॉज आगे बढ़ने के लिए एक पोर्टफोलियो जरूरी होता है, अगर आपके पास पोर्टफोलियो है तो ऑफकोर्स। आपके फेवरेट एक्टर कौन है? आप तो ऑलरेडी बहुत बड़े एक्टर टिकटॉक में हैं, आपके फेवरेट एक्टर कौन है? शाहरुख खान एंड रणबीर कपूर। फेवरेट एक्ट्रेस? एज सच मेरी कोई फेवरेट एक्ट्रेस नहीं है, बट लाइक एन आई कैंडी जो मेरे को लगती है वो है श्रद्धा कपूर। ओके एंड व्हाट अबाउट विलन? फेवरेट विलन कौन है? रावण हूँ। क्या है आपका डायलॉग हो, रिसेंट वीडियो आपने जो बनाया है, दानव हूँ या कुछ? भी दानव हूँ, भगवान नहीं, भी रावण हूँ, मैं राम नहीं। वाओ, सो गाइस ऐसे ही प्यार देते रहिए, मंजुल को आपको एंटरटेन करते रहिए। थैंक यू सो मच मंजुल फॉर कमिंग टू सेलिब्रिटी फेस। थैंक यू सो मच, ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एंड करियर। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।